वैसे भी अब नहीं आएगा सही। गौतम बुद्ध जी की कितनी बड़ी प्रतिमा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। हेलो गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज इको पार्क। हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं इको पार्क और वेदर इतना मस्त हुआ है क्योंकि कल बहुत तेज बारिश हुई है। आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, मस्त मस्त मौसम है, अच्छे से घूमेंगे हम लोग। धन्यवाद है कि कॉल करता है। ये पूरा पार्क में पानी लग रहा है गाइस। दो मिनट, जब से हम लोग आए हैं कोलकाता में तब से एक दिन में हम लोग रेस्ट नहीं किए, डेली घूमना डेली घूमना। ये क्या था डस्टबिन। ऐसे ही लोग होते हैं दिख नहीं रहा, जो ऐसे ही लोग होते जो कूड़ा फैलाते हैं इधर उधर। ओए मॉडल, आपको नहीं आना क्या? इको पार्क हम लोग की लिस्ट में नहीं था घूमने का, लेकिन तो मौसम के वजह से आगे हम लोग अचानक से प्लान कर गया कि चलो इको पार्क घूम ही लेते हैं। पता नहीं, मम्मा पहले जाके फोटो क्लिक करवाएगी। बिछड़ी हुई फ्रेंड थी, इतने सालों बाद आज मिली है, वो भी बेचारी जिस कंडीशन में छोड़ के गए थे उसी कंडीशन में मिल रही है, पत्थर बन गई है एकदम से। इसको इतना समझाएं कि मत, इतना टेंशन सागरी। अरे वो ब्लॉग देखेगी बेचारी के। सही कह रही है, मेरा ही नाम मिला था डालने को। हाँ, यहाँ पे दो दिन बैठ जाते जो मामा बेटे जो मंगवाई हो खाने के लिए इधर आ गई। टेस्टी है बहुत। मान को अब जंपिंग करनी है। ओए बचा के, बच्ची के ऊपर मत कूद जाना। अरे बच्ची आराम से मान। अब हम लोग जापानीज फॉरेस्ट जा रहे हैं। ये हम आ गए हैं जापानीज फॉरेस्ट। ये देखना आगे, तो कह रहा है वहीं से देखो ना, कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। गौतम बुद्ध जी की कितनी बड़ी प्रतिमा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट जापानीज फॉरेस्ट से जस्ट गेट से जैसे घुसते ही एकदम ठीक गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा दिखाई देती है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये व्यू बहुत अच्छा है इको पार्क का, इतना सुंदर लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में। बैम्बू सबसे अच्छा वही है, इतना अच्छा लग रहा है। लाइट लगाना, कितना सुंदर लग रहा है ये।
बैम्बू लाइट से ये नाइट में ज्यादा अच्छा लगेगा। ये चले अब हम मिनी ब्रिज की तरफ। वाओ यार क्या इतना सुंदर लग रहा है। ये रहा गाइस, देखिए सामने हमारा मिनी ब्रिज, ये है इको पार्क की खूबसूरती, जापानीज गार्डन, आई मीन जापानीज फॉरेस्ट, सॉरी। ये जापानीज कोई आदमी है वहाँ पे बीच में बैठे हुए हैं। दो लाइन सुपर, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो देखो वो रहा आदमी। अरे बाबू तो वहाँ कैसे चले गए? रुको रुको हम भी आ रहे हैं। ये पता नहीं गाइस क्या है, लेकिन जो भी है बहुत ही खूबसूरत है। आगे बोर्ड लगा हुआ है, रुक जाइए मैं पढ़ के बताता हूँ। सीरीज ऑफ टोरी, इसका कहना है कि इस सीरीज़ के अंदर अगर घुसते हो और आप अगर अपने स्टेप को काउंट करते हो तो आप अपने इनर सोल से बहुत ही कनेक्टेड फील करोगे, ऐसा कहना है। रात का समय नहीं है गाइस, वरना मैं आपको इस ब्रिज, छोटी सी ब्रिज की खूबसूरती दिखाता। यहाँ पे जो ये ज़िगज़ैग ब्रिज है, इसमें रात को ढेर सारी लाइटें होती हैं जो इस ब्रिज को और भी बेहतरीन बनाती हैं। जब ये जापान का फॉरेस्ट जो यहाँ दिखाया गया है, जब ये इतना खूबसूरत है तो जापान कितना खूबसूरत होगा गाइस, लिटरली। यहाँ पर चाय लेकर आए हैं चाय पीने के लिए। हाँ घर से बना के लेके आए थे यहाँ पे चाय पीने के लिए। चाय नहीं दे रहा था। अच्छा, बनाने के साथ चाय पियोगी क्या? नहीं बाबू के लिए बनाना है। पियो पियो, टी लवर तुम तो हो ही। क्या बता रही थी? क्या बता रही थी? कह रही थी कि 7 गेट है यहाँ पे इको पार्क में, और अभी हम लोग सिर्फ पहला गेट ही कवर नहीं किया। अभी कहाँ है, मौसम खराब ही हो रहा है। जल्दी जल्दी चलो, वेदर खराब हो रहा है। चलो 7 वंडर्स जाना है अभी। अब बाबा के ट्रेन में भी घूमना है तो चले। वाओ कितना अच्छा वेदर किया है, बहुत अच्छा वेदर हो गया, इतना अच्छा हवा चल रहा, ठंडा ठंडा हवा। टॉय ट्रेन, मान टॉय ट्रेन में बैठे। सब लोग देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ हम लोग पिकनिक भी वो कर सकते थे। हाँ। पिकनिक स्पॉट जैसा लग रहा है, सब यहाँ पर वो भी तो कर रहे हैं, पिकनिक भी मना रहे हैं। हाँ। सब अपना लेकर आए हैं घर से, यहाँ पे खा पी रहे हैं लोग। अच्छा लग रहा है। सकते थे लेकिन पता नहीं था ना हम लोगों को। बाबू जा रहा है ट्रेन में बैठने, उसको ट्रेन में मन था बैठने का। मम्मा ट्रेन के लिए ना टिकट चाहिए। जाओ अंदर जाओ। जा रहे जा रहे। धनबाद जा रहे हो? धनबाद जा रहे हो? गोरखपुर जा रहे हो? गोरखपुर जा रहे हो? पापा के पास जा रहे हो? पापा के पास जा रहे हो? मुंह देखो कितना उसको ठंडा लग रहा है। अरे धीरे पसीना सूख जाएगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ करते हैं, आओ
अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। बाबू और अंशु वो लोग ट्रेन में बैठ के वो लोग पूरा पार्क अपना घूमेंगे, हम लोग ऐसे बैठ के रेस्ट कर हम लोग का वेट कर रहे हैं। लेकिन ये पार्क इतना बड़ा है कि एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जाने के लिए अगर मान लीजिए हमको एक यहाँ पे वो है ना बाबू क्या विलेज है, अर्बन विलेज उसको देखने के लिए हम लोग को 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 7 वंडर्स हैं तो उसके लिए हम लोग को 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। चल के यहाँ पे और भी फैसिलिटीज दी गई हैं, जो लोग चल के नहीं जाना चाहते उन लोग के लिए साइकिल है, देखिए पीछे तो ये ना साइकिल पूरे साइकिल्स लगे हुए हैं, साइकिल से आप अपना पूरा पार्क घूम लीजिए। गाड़ी भी है और ट्रेन भी है, साइकिल से हम लोग इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ना हमको साइकिल चलाने आता है, ना इसको चलाने आता है, ना हम इन लोगों किसी को नहीं चलाने आता है, बस इसको चलाने आता है और अंशु को चलाने आता है, तो उसमें भी हम लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम लोग 7 लोग हैं, इस वजह से हम लोग घूम नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ 7 वंडर्स कवर करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर जाएंगे अभी आ जाए तो। यार बहुत बड़ा पार्क है यार, हमने घूमने का तो बहुत मन है, हमको विलेज वाला देखना है कि क्या बोली हा? 7 गेट हाँ 7 गेट है, अब ये 7 गेट में मतलब अगर एक एक दिन अगर कोई जाए ना तभी हो पाएगा, नहीं तो ऐसे तो एक दिन में तो आप घूम ही नहीं सकते पूरा पार्क, ना इम्पॉसिबल। 7 दिन लगेंगे घूमने के लिए पार्क को, हर दिन हर एक गेट हर दिन।